जय गुरुदेव सभी को। गुरु सियाग योग के बाल सखा भाग 34 में, भाग पार्ट 34 में मैं मीनाक्षी अलका जी के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव अलका जी, जय गुरुदेव अंश। हमारे साथ ये नन्ना साधक अंश है आज, तो अंश और उसकी मम्मी से बात करेंगे। उसकी मम्मी बाद में ज्वाइन कर लेगी। अंश हरियाणा रिवाड़ी से है, आगे की बात उससे सुनेंगे। दादा गुरुदेव और गुरुदेव के आशीर्वाद से आज भाग 34 पे आए हैं हम। धीरे धीरे देखते हैं वो क्या बदलाव लाते हैं, क्या और कराते हैं इसमें ऐड। तो जैसे जैसे वो कराएंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। और भाव शून्य होकर गुरुदेव को अपने अंदर बिठाकर हम ये जो बाल सखा की सीरीज करते हैं। अंश आप भी गुरुदेव को बुला लो, ठीक है? गुरुदेव आए हमारे अंदर विराजे, भाव शून्य होकर हम ये सेशन करेंगे। जो गुरुदेव बुलवाना चाहेंगे वही हम बोलेंगे। अलका जी को सुनते हैं, अलका जी फिर हमारे जो गेस्ट चाइल्ड से बाल सखा से बात करेंगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु सियाग गुरुदेव। सिद्ध योग बाल सखा की आज पार्ट 34 में हम सभी गुरु भाई, गुरु बहन और दर्शकों को स्वागत करते हैं ये श्रेणी में। सबसे पहले हम गुरु जी की चरणों में अपने समर श्री रामलाल जी सियाग और उनके गुरु जी दादा गंगाई नाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए ये सत्र की शुरुआत करेंगे। आज जो हमारे साथ मंच पे हैं, हरियाणा से हैं हंस और उसकी मम्मी, तो उनसे हम सुने उनके अनुभव कैसे जुड़े हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं और आगे की जर्नी वो किस तरह से गुरु सियाग के साथ बेटा चलना पसंद करेंगे। वैसे तो ये हमारी पसंद का कोई बात ही नहीं आती कि हम क्या चाहते हैं, इसमें तो सब गुरु क्या चाहते हैं, सभी साधकों के भाव ऐसे ही बन जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम इसकी यात्रा शुरू करते हैं तो हमारे चाहने और ना चाहने का कोई सवाल ही नहीं आता। गुरु जो चाहेंगे वही होता जाएगा, सिर्फ हमारा विश्वास कैसा है, हमारा समर्पण कैसा है, वो हिसाब से ही हमारी ये एक आध्यात्मिक यात्रा चलती है। ये एपिसोड, ये बाल सखा का प्रोग्राम जितने भी व्यूअर्स के सामने आया होगा सुनने में देखने में, जो अनजान लोग होंगे उनको ऐसा लगता होगा कि ये क्या है। जैसे ही वो एपिसोड शुरू होता है सब लोग जय गुरुदेव बोलते जाते हैं, ये क्या है जय गुरुदेव। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जो हम लोग गुरु साधक हैं, जो भी भाई बहन या बच्चे के रूप में, वो हमारे एक अभिवादन का एक रीत है, एक कि हम जय गुरुदेव से ही शुरुआत करते हैं। आप मानोगे नहीं कि जो सिर्फ जय गुरुदेव बोलने से भी जो हमारे अंदर के एक दूसरे के जो मन के शरीर के जो अंदर से स्राव उठते हैं और एक दूसरे के, भले वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं लगते तो भी जो एक प्रेम का संबंध रहता है ना, जैसे गुरुजी का और हमारा है, वैसे ही हमारे सब साधक भाई बहनों और बच्चों के साथ रहता है। तो ये एक प्रमाण तो नहीं कह सकते कि जय गुरुदेव बोलने से हम अपना प्रमाण दे देते कि हमें, हम कोई ऐसे बड़े कोई अज्ञानी या कोई विद्वान ऐसे कहलाने, पब्लिकली दिखाने के लिए, वैसे नहीं है। ये जो होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है बच्चों में भी और बड़ों में भी। तो आज हम ये नन्हे साधक, हमारे अंश के रूप में जो दिव्य आत्मा हमारे सामने है, उनके साथ हम बातें करके उनके भाव
हमारे साथ और आप सभी के साथ बांटना चाहेंगे, जो एक गुरु प्रसादी समझो, जो हमें हमारे अपने अपने घर पे बैठे मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं अंश के साथ अपनी वार्तालाप। जी अंश बेटा, आप अपना परिचय दे दीजिए। माई सेल्फ अंश, आई एम स्टडी इन क्लास फोर्थ, आई एम फ्रॉम रेवाड़ी, आई हैव वन ब्रदर। जी बेटा, आपने ये गुरु साधना कब से शुरू की? आंटी मुझे 1 साल हो गया। जी आप कहिए अपने बारे में, आप अपने भाव जो भी बताना चाहते हैं ना, आप अपना कंटिन्यूस कहते रहिए, कहो। आंटी जब मैं ध्यान करता हूँ तो फिर जब कई बार लग जाती है ना, जैसे कि कल मेरे पैर में लग गई थी, जब फुटबॉल खेल गया था कल, जब मेरे पैर में लग गई थी, तो फिर जब मैं ध्यान करने गया तो फिर जब ध्यान करके उठा तो मेरे पैर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया था। और आप उसको आपके दर्द को लेके ध्यान में बैठे थे कि दर्द को ध्यान में रख के कि मुझे ये दर्द हुआ है, चलो ना मैं दवा लगाता हूँ उसके साथ में, मैं ध्यान भी कर लूं तो शायद ये दर्द चला जाए, ऐसा आप इंटेंशनली बैठे थे बेटा? नो, कि रेगुलर जो बैठते वैसे ही बैठे? रेगुलर जो बैठता हूँ वैसे ही बैठे था। जी बताइए। और फिर जब भी मुझे गुरुदेव दिखते हैं तो फिर जब गुरुदेव दिखते हैं तो जो गुरुदेव जैसे गुरुदेव बैठे हुए उनके पीछे मुझे ब्लू कलर की लाइट दिखती है कहीं। कब दिखती है ऐसी? जब ध्यान के दौरान जब मैं बैठता हूँ तो फिर जब मुझे गुरुदेव दिखते हैं तब दिखती है मुझे गुरुदेव के पीछे लाइट। और गुरुदेव मेरे साथ खेलते भी है कई बार। कहो कहो आप। थोड़ा थोड़ा आप जोर से बोलो तो सभी को सुनने में आसान रहे आपकी बात, और जब कहो। और फील फ्री बेटा, फील फ्री होकर बैठो, हम तो आपके ही है ना, आपके गुरुदेव और हमारे गुरुदेव एक ही है। जब मैं जी कहो बेटा। जब मैं स्कूल जाता हूँ तो फिर मैं गुरुदेव के चरणों की धोखा कर जाता हूँ। हाँ बराबर। तो ये आपने तो मम्मी ने बताया होगा कि बेटा गुरु जी का ध्यान करते रहो, ये गुरु जी को फोटो साथ में रखो या उसके पांव छू के जाओ, ये भले हमें उसका पता नहीं है कि ये करने का मतलब क्या होता है, उसकी लंबी चौड़ी उसमें आप बच्चों को उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, सिर्फ हमें बड़े ने बताया और आपने किया, तो एक आप क्या फील करते हो ऐसा करके निकलते हो स्कूल या किधर भी बाहर, तो आप क्या फील करते हो निकलने के बाद? तो मैं अच्छा फील करता हूँ। हाँ क्या लगता है कि गुरुजी मेरे साथ है, मेरे प्रोटेक्शन में है, वो खड़े हैं साथ में रहते हैं? तो जब गुरुदेव जब मैं स्कूल जाता हूँ तो फिर गुरुदेव जब खाली टाइम होता है ना तो फिर मैं गुरुदेव को याद भी करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आपके आपके अंदर क्या ऐसे आपको पता है कि नोटिस किया है आपने कि आप में क्या चेंज आया है? पहले आप 1 साल पहले की जो आपकी हैबिट्स है, आपके इंटरेस्ट है, फिर आपकी दूसरी कोई भी चीज रूटीन डे टू डे लाइफ में, उसमें गुरु जी के मिलने के बाद क्या आपने कोई बदलाव पाया है? जब मैं गुरुदेव का पहले जब ध्यान नहीं करता था 1 साल पहले, तो जब मैं पढ़ाई करता था ना
तो मैं पढ़ाई कर तो लेता था अच्छे से, पर जब भी टेस्ट होता था तो मेरे मार्क्स कम आते थे बहुत। और अब जी जब मैं ध्यान करता हूँ तो फिर मैं जब बिना बगैर पढ़ाई करके भी नहीं जाता, बिना पढ़ाई करे जाता हूँ, फिर मैम टेस्ट लेती है तो मेरे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटते। नहीं कटते और जो क्लास में तो पढ़ लेता हूँ, और ना मैं घर पे आके होमवर्क करता, जो क्लास में पढ़ लेता हूँ उसके बाद मैम अगर उसका टेस्ट ले लेती है तो मैं अच्छे से बता देता हूँ। जी बहुत अच्छा। ये बेटा ये ध्यान तो आप करते हो राइट, मंत्र जाप करते हो, जितना भी हो ध्यान करते हो, लेकिन आपकी टीचर को थोड़ा पता है कि अंश बेटा ध्यान कर रहा है, इतना अच्छे से मंत्र जाप करता होगा, उनको तो आपकी स्टोरी नहीं पता होगी। तो ये आपका बिना पढ़े जाना और मार्क्स भी आ जाना, ये तो कोई कैसी बात लगती है, कोई लॉजिक है इसमें? ये आंटी गुरुदेव का चमत्कार है। तो बेटा सभी बच्चे होंगे आप जैसे स्टूडेंट, तो सब लोग ऐसा ही कहेंगे ना कि वो अंश को हमने सुना था कि हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो भी हमारे जय गुरुदेव 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 करेंगे तो मार्क्स आ जाएंगे। ये क्या सही बात है बेटा? ना बेटा जी चमत्कार नहीं है, ये ना आपका डेवलपमेंट है, आपकी ग्रोथ है। जो ध्यान करने से आपने कंसंट्रेट किया ना, उससे आपके ब्रेन की डेवलपमेंट हुई, इसीलिए अब जी आपको बहुत सारा टाइम नहीं देना पड़ता पढ़ाई में। थोड़ी सी देर से ही, जैसे क्लास में टेस्ट है उससे पहले ही आपने खोल के रिवाइज किया, वो क्विकली हो गया। तो ये आपकी ही डेवलपमेंट है जो ध्यान से हुई है ना? हाँ ये गुरुदेव सही बात चमत्कार है जादू नहीं बेटा। कर रहे, आपको डेवलप। ये मैम ठीक है ना? कई बार ये भी कहता है, मैम कई बार ये भी कहता है कि क्लास में किसी के भी ज्यादा मार्क्स नहीं आए, आपके कैसे ज्यादा मार्क्स आए? मैम कई बार ये भी कह देती है। अच्छा उसको भी ध्यान में आया होगा कि अंश का पहले से ज्यादा अभी अचानक कैसे इम्प्रूवमेंट हो गया, ऐसा लगता होगा। मैम फ्री हूँ, मैम ही कहती है मुझे कि तूने चीट किया है इसलिए तुझे इतने अच्छे मार्क्स आए क्लास में, नहीं तो किसी के नहीं आए। तो तो मैम आप फिर जी मैम ही कहती है कि मुझे सुनाओ ये जो आपने लिखा है, फिर मैं सुना देता हूँ जो मैम कहती है। राइट बेटा राइट मैम है ना, मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, उससे मेरी ग्रोथ हो रही है, मेरा ब्रेन डेवलप कर रहा है, मेरे को मेमोरी मेरी स्ट्रोंग हो रही है ना, इजीली लर्न हो जाता है। आप ये बात जब मैम को बोलोगे ना, तो मैम और बच्चों को करवाने के लिए बोल सकती है, ठीक है ना? है ना? तो वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, गुरुदेव इतने खुश होंगे अंश से कि सारी क्लास को अंश ने मेडिटेशन करा दिया। अब जब फ्री टाइम हो ना किसी दिन, तो मिस को कहना, मैम को कहना कि और बच्चों को करवा दे क्या। मैं ऐसे जब एक बार जब थर्सडे था ना, तो मेरी मम्मी ना स्कूल में गई थी और सब बच्चों को ध्यान करवाया था। वेरी गुड। तो देखो बीच ये तो में मीनाक्षी थर्सडे आंटी ने को एक एक आइडिया दिखाया, और ऑलरेडी गुरुजी ने आपकी मम्मी के माध्यम से ये करवा भी दिया। देखो मीनाक्षी आंटी का एक सजेशन था आपको, और आपकी मम्मी ने वो पहले से ही कर दिया। ये इसमें कौन है? इसमें गुरुजी है, क्योंकि आपके मम्मी के मन में भी ऐसी सोच आई, मीनाक्षी आंटी के मन में भी ऐसी सोच आई, ये दोनों की सोच गुरुजी की सोच से मिल गई, है ना? तो ये ऐसा होता। हाँ जब मैं पहले ध्यान नहीं करता था ना, तो फिर जब मेरे पास एक क्यूब था 3x3 का, तो वो क्यूब मैं ना सोल्व नहीं कर पाता था, जब मैं पहले ध्यान नहीं करता था। तो इस साल जब मैं ध्यान करने लगा ना, तो उसके बाद मैं वो क्यूब आसानी से सोल्व कर देता हूँ। और मैंने मेरे पापा से अलग और भी क्यूब्स मंगाए हैं, मैं उनको भी सोल्व कर देता हूँ वाह। जल्दी। यानी आपको अभी इंटरेस्ट आता जाएगा कि अभी आप थोड़े थोड़े टफ टास्क होंगे ना, एक के बाद वो आप सॉल्व करने की आप में एक हिम्मत आती जाएगी, नहीं अभी आगे से मैं इससे भी थोड़ा कोई टफ हो
कोई भी था वो मैं सॉल्व करता जाऊंगा। अभी आप में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है ध्यान से, ये रीजन ये है। मैंने 3x3 भी कर दिया सॉल्व और 5x5 भी करवा दिया। मेरे पापा इस बार आए थे तो मैंने मंगाया था। अब मैं पापा को हर रोज ये कहता हूँ कि पापा मेरे लिए अब 7x7 और 10x10 भी लेके आना। अभी छोटे मोटे वो से नहीं चलेगा, अब मैं बड़ा होता जा रहा हूँ और मेरे वो भी बड़े होते जा रहे हैं, है ना। सपने भी अभी बड़े बड़े हैं और फ्यूचर में मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, ठीक है ना। ऐसे होते हैं। हाँ, और कुछ बेटा? ये तो हुई हमारी स्टडीज की बात या आपके, और हमारे घर में आपके पापा जॉब के हिसाब से बाहर रहते हैं आउट ऑफ स्टेशन, और आप, आपके भैया और मम्मी हैं, तो आपके तीनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग रिलेशन कैसे है? बहुत अच्छा है। हाँ, आपके भाई के साथ? भाई के साथ भी बहुत अच्छा है। और जब भी व्यू मेरा भाई कोई शरारत करता है ना, तो मम्मी या फिर मैं उसके गुरुदेव से शिकायत भी करते हैं। हाँ, तो वो गुरुदेव से डरता है क्या? हाँ आंटी, जब भी कहते हैं कि मैं गुरुदेव से तेरी शिकायत कर दूंगा, तो फिर चुपचाप बैठ जाता है वहीं पे। तो ये तो आप उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हो कि चलो मस्ती मत करो, ये मत करो, जिद मत करो, हम गुरु जी को बता देंगे। तो टेम्पररी वो हो जाता है सॉल्व कि चलो, क्योंकि वो छोटा है अभी, नादान है ना। लेकिन आपका भाई है, आप में जो इतना सीरियसली ध्यान और मंत्र जाप का वो आया है गुरु जी की प्रेरणा से, तो उसमें भी डेफिनेटली मम्मी और आप करते हैं, तो उसमें भी अंदर है ही गुरुजी, अंदर विराजमान है ही, ऐसे ही समझो। उनको कुछ आप लोगों को कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि उनको सिखाने की, कि जबरदस्ती करवाने की, कभी कोशिश करना भी मत। वो नेचुरली उसमें खुद ब खुद उसमें आता जाएगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि बच्चे एकदम ऐसे ही होने चाहिए, बिल्कुल आवाज नहीं, शरारत नहीं, हम जैसे बोले बैठे तो बैठे, उठो तो उठे, वैसे नहीं होने चाहिए। बच्चे नेचुरली जो है ईश्वर की देन, जैसे वो है वही रूप में हमें चाहिए, यही एक हकीकत है बेटा। गुरुजी भी ऐसे चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप गुरुजी के लिए और कुछ कहना चाहोगे या बताना चाहोगे? स्पोर्ट्स भी करता है आंटी, स्पोर्ट्स पे भी बात कर सकते हैं। अरे वाह, बताओ बेटा बताओ, कुछ रह ना जाए आज। हाँ अंश, आंटी, जब मैं पहले जब ध्यान नहीं करता तब फुटबॉल खेलने जाता था ना, तो मैं से अच्छे से खेली नहीं जाती थी, मैं चोट लग जाती थी तो मेरे बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता था। और जब मैं ध्यान करके जब खेलने जाता हूँ, जैसे कि मैं सुबह ध्यान कर ले, फिर शाम को अगर खेलने जाता हूँ, तो फिर मैं अच्छे से खेल पाता हूँ। और कहीं भी लग जाती है तो ज्यादा दर्द नहीं लगती, मुझे दर्द भी नहीं होता इतना, और फिर वो ठीक हो जाती है। हाँ, तो आपको तो अभी ज्यादा कॉन्फिडेंस आया आया होगा स्पोर्ट्स में भी, खेल में भी, कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा, कुछ डरने की बात नहीं है, है ना। बहुत अच्छा। तो स्पेशली आपको कौन से गेम में इंटरेस्ट है, कौन से वाले स्पोर्ट्स में? फुटबॉल में। फुटबॉल में? अच्छा, तो फुटबॉल के लिए आप स्कूल में कभी ऐसी कोई इवेंट में आपने ऐसे पार्ट लिया है? आंटी, हमारे स्कूल में फुटबॉल के ऊपर हुआ नहीं है, पर एक बार ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ था, जी, तो उसमें मैं रोनाल्डो बना था, तो उसमें मेरी जो पोजीशन, मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। गुड। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, वो लकी है आपके लिए, है ना। जी। अच्छा गेम और है कुछ आपके लिए। और कुछ आपको बताना? और मेरे सर ने मुझे अंडर 14 के लिए सेलेक्ट भी कर लिया। हाँ वाह, यानी स्टडी के साथ ये भी सब जरूरी है, हमारा आउटडोर प्लेइंग, दूसरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, दूसरी कोई भी एक्टिविटीज हमें जो इंटरेस्ट हो उसमें चाहिए। सिर्फ स्टडी का रिजल्ट हमारे लिए ग्रोथ के लिए
नहीं डिपेंड, उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमें ऑलराउंडर बनना है, फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली तीनों बाजू से। जो गुरुजी का हमारे मिशन का वही है कि ये जो भी साधक है उनका तीनों लेवल पे वो डेवलपमेंट कराने में उसकी साधना हेल्प करती है। तो आप तो इतने छोटे हो अभी, आपको कितने सही समय पे ये गुरुजी का मार्गदर्शन मिल गया है इतना अच्छा, तो आपको इसे छोड़ना नहीं है पूरी लाइफ के लिए। अभी आप 5 साल 10 साल वो साधना के साथ जुड़े रहोगे तो आपकी जर्नी इतनी अच्छी इतनी स्मूथ रहेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जो चाहोगे वो हासिल कर पाओगे बड़े होके, जी ना। इसीलिए अभी आपको ये एक मंत्र जाप है तो आपकी लाइफ के एक बड़ा इन्वेस्टमेंट समझो ये मंत्र जाप का। हम पैसों का इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी का, उस वो तो सब लोग करते हैं कि हमारे फ्यूचर के लिए ये वो सब, लेकिन आप बच्चे जो ये साधना में अपना ये मंत्र जाप और ध्यान का जो इन्वेस्टमेंट बनेगा ना, वो सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट होगा। बोलो आंटी, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुदेव ने अपने चरणों में लिया। हाँ वाह, ये आपसे मुंह से निकलते वही हमारे कानों में जो पड़ा ना, तो वो हम अपने आप को भी भाग्यशाली मानते हैं कि आज आप जैसे बच्चों के मुंह से ये निकलता है कि हम गुरुजी की चरणों में रह के हमें अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत आनंद हुआ आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको जब भी बेटा कंफर्टेबल हो तो आप अपने रेगुलर सेशन में भी आया करो, टाइमिंग का आपको सुटेबल हो तो। हम चाहेंगे आपसे दूसरे बच्चों में भी इंस्पिरेशन मिले और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और कोई जरूरी बात रह गई हो तो हम मम्मा से बात करते हैं, बाद में भी आप कह सकते हो। तो अभी आप कहो तो हम अभी मम्मा से बात शुरू करें। कर लो आंटी, आपको कुछ कहना है? अंश, आप एक बार ध्यान करते हो या दो बार? दोनों टाइम ध्यान करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। गुड, आ जाओ गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, आपका इस बाल सखा के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत जय गुरुदेव। हम तो ऐसे ही जानते कि अंश के मम्मा है, लेकिन हमारे दूसरे साधकों को आपका इंट्रोडक्शन, अपना नाम और जगह से भी दे दीजिए कि कभी शायद आपके आजू बाजू में भी हमारे साधक भाई बहन हो तो उनको भी आपके ये एपिसोड जब भी देखे तो पता चले कि ये तो हमारे आजू बाजू किधर है। शायद ऐसे भी बहुत साधकों के साथ होता है, बगल में भी रहते होंगे गुरु भाई गुरु बहन, लेकिन पता नहीं होता। ये हमारे सेशन के माध्यम से भी बहुतों को पता चलता है कि अरे ये तो हमारे गांव के है, ये हमारे पड़ोसी है, ये हमारे पहचान वाले हैं। तो आप अपना परिचय दीजिए बहन जी। जय गुरुदेव। हाँ जी, मेरा नाम सहेश और मैं रेवाड़ी से हूँ। जी जी जी, हाँ कहिए। अभी आपकी अनुभव की जो है हुआ है वो यात्रा की शुरुआत आप बताइए और आपके परिवार की जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आप बताइए। जय गुरुदेव बहन, कहिए। गुरु बहन ना, मैं जब 2017 में मैंने कॉलेज ज्वाइन कर रखा था तो उस टाइम जो मेरी मैडम है, मैं डीएवी कॉलेज से ही पढ़ी हूँ कोसली से, और उसी में फिर मैंने 3 साल टीच किया था। तो मेरी एक मैडम है होम साइंस की, मेरे पास होम साइंस नहीं थी लेकिन वो वहां पे पहले से पढ़ाती थी। तो ऐसे ही बातें चलती कि भाई ये हमारा काम नहीं हो रहा है, ऐसे बीमारी है, इससे पीछा नहीं छूट रहा है। तो मेरे को भी एक प्रॉब्लम है जिससे मतलब मेरे को आराम नहीं मिलता था, दवाई भी खूब खाई है, सब कुछ किया,
और थोड़ा सा पढ़ाई से भी मतलब रिलेटेड मेरे को था कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो वो उस मैडम ने मेरे को बताया कि सहेश मैं तेरे को एक चीज बताती हूँ, अगर तू ये करेगी तो तेरे सब काम हो जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताओ, कोई बात नहीं मैं करूंगी जो आप बताएंगे वो। तो वो बोली थर्सडे को मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने थर्सडे को मेरे को ये गुरुदेव का मंत्र दिया और मैंने वो सुना। लेकिन फिर मैंने वहां उसको 15 से 20 दिन किया होगा, और जो कुछ होना था गुरुदेव बोलते हैं कि 15 मिनट में ही होगा, वो होता भी होना भी शुरू हो गया था मेरे साथ। लेकिन फिर बस वही है कि उस टाइम मेरा मतलब वो नहीं हो पाया, मैंने छोड़ दिया उस टाइम, मतलब गुरुदेव के प्रति मेरा समर्पण नहीं हो पाया, उस टाइम छोड़ दिया था। उसके बाद फिर अब जब 12 जनवरी 2020 को वही एक क्लास, मतलब जहां मैं कॉलेज में टीच करती थी वहीं की एक मैम है नीति मैम, तो उन्हीं वो मेरे घर पे आई और उसने पूरे दिन, मैंने कहा उसको बुलाया कि आप मेरे घर आओ आराम से बैठेंगे बातें करेंगे, वो भी वहां पे टीच करती थी, मैंने कहा काफी दिन हो गए हैं और यहाँ पे मिलेंगे बैठेंगे चाय पानी पियेंगे बातें करेंगे बहुत सारी। तो वो आई और यहाँ पे हमने बैठे बातचीत की, सर्दी का टाइम था धूप में बैठे बैठे, तो उसने मेरे को ये बात बताई दोबारा से। मैंने कुछ नहीं पूछा उनसे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने किया था मैंने छोड़ दिया वो कोई, लेकिन उसका मन था कि मैं इनको बताऊं। तो उसने मेरे को सब बताया कि ऐसे करो आप ना, बहुत फायदा मिलता है मेरे को, बहुत अच्छा लगता है, आप भी करो सहेश और आपको भी बहुत फायदा होगा, आप करके देखो इस चीज को, आप छोड़ो मत। तो मैंने उनको बताया भी कि मैडम ने मेरे को बताया था लेकिन मैंने किया वो, लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं करती हूँ अब। बोले क्यों छोड़ दिया आपने, आप करके तो देखो, आपको कितना आनंद आएगा, कितना अच्छा लगेगा, कितने अच्छे से आपके काम पूरे होंगे देखना। तो बस उस दिन से ये था कि गुरुदेव, मैंने गुरुदेव को छोड़ा लेकिन गुरुदेव ने मेरे को नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा उससे, मैंने कहा ठीक है चलो। उसने मेरे को कम से कम 1-1.5 घंटा गुरुदेव के बारे में बताया, मेरे को अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा, और मतलब मेरा ऐसा मन हो गया कि आज के बाद मैं गुरुदेव को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना ध्यान करूंगी दोनों टाइम। तो 12 जनवरी 2020 से कंटिन्यू मेरा ध्यान चल रहा है, दोनों टाइम ध्यान करती हूँ, 15 मिनट का करती हूँ, लेकिन बस वही है कई बार बच्चा छोटा है तो 10 मिनट भी होता है, कई बार 5-7 मिनट भी होता है, जरूरी नहीं है, लेकिन इतना है कि मंत्र जाप चलता रहता है। मैंने ये सोच रखा है कि गुरुदेव को छोड़ना नहीं है, बस ध्यान कोई जरूरी, मैं ये मानती हूँ कि ध्यान भी है, टाइम है तो बैठो, सोते सोते भी रात को जाप करते करते ही नींद आती है, बिना जाप के वे नींद भी नहीं आती है अब तो। जी तो ऐसा करते हैं, रात को कभी ऐसा लगेगा कि नींद नहीं आ रही है पता नहीं, और जब फिर मंत्र स्टार्ट कर देती हूँ और स्टार्ट करते ही पता नहीं कब मतलब आंख लगती है, फिर रात को ये इनके सुबह में ही आंख खुलेगी तो पता चलता है कि पता नहीं कब गुरुदेव ने सुलाया और कब उठा दिया, पता भी नहीं चला रात का। तो बराबर ऐसे ही किया मैंने, हाँ तो बहुत अच्छा लगा, बहुत परिवर्तन भी आए हैं मेरे अंदर भी। तो बस उस टाइम जब मैंने करना स्टार्ट किया तो मेरा ये था कि उसने बोला मैंने कर दिया, और बस मेरी इच्छा ये थी कि भाई मैं अपना ये जो कर रही हूँ ना, तो भाई बस बता दिया और मैंने कर लिया, मतलब इतना वो नहीं था कि भाई गुरुदेव के चरणों में रहो गुरुदेव के सामने बैठे रहो, ये तो ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मली अपना कर रही थी, ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था, सब हो गया। लेकिन बस वही है कि गुरुदेव जब करवाते हैं, समर्पण भी गुरुदेव का ही है, जैसे कराया मैं तो यूं कहूंगी ऐसे ऐसे तो सबको कराए गुरुदेव, थप्पड़ लगवा लगवा के कराए कि तू फॉर्मेलिटी जी करना चाह रहा है, लेकिन मैं फॉर्मेलिटी नहीं चाह रहा हूँ, आप चाह रहे हो फॉर्मेलिटी की, हो गया सुबह शाम ध्यान कर लिया मंत्र जाप कर लिया बस काम खत्म, लेकिन नहीं, हम जब तक बिल्कुल गुरुदेव के अंदर नहीं समाएंगे, हम गुरुदेव तो हमारे अंदर है लेकिन हम जब तक गुरुदेव को समझेंगे नहीं, बस खाली अपना अपना काम किया, क्योंकि इंसान तो थोड़ा सेल्फिश होता है ना, उसको तो थोड़ा सा चाहे मिल जाए और फिर कहेंगे नहीं बस हो गया हमारा, इतने से काम नहीं चलेगा। तो गुरुदेव ने सोचा ये ऐसे तो काम नहीं बनेगा भाई, जब आगे इसको बढ़ाना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो फिर अब की बार 2021 में मई में मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, मैं बीमार हो गई अचानक से बीमार हुई, गुरुदेव का जाप नहीं छोड़ा पूरे पूरे रात करती, मतलब थोड़ी सी दिक्कत ऐसी आई कि मतलब लास्ट में सब जगह मैंने घूम फिर के डॉक्टरों से इधर उधर के बाबाओं से सब तरह का इलाज करवाया, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। फिर मेरे को मीनाक्षी गुरु बहन के नंबर मिले, फिर मैंने बात की, उसके बाद भी मतलब आराम मिला सेशन में ग्रुप में, मैंने ध्यान भी किया, फिर भी थोड़ा सा इतना वो नहीं था क्योंकि मेरा समर्पण नहीं था। वो बोलते हैं ना कि मैं तो भाई शिव जी को भी मान रही हूँ, गणेश को भी मान रही हूँ, वो सब मेरे मंदिर में इधर उधर, लेकिन जब गुरुदेव ने मेरे को अपने प्रति समर्पित किया
तो सब मैंने हटा दिया अपने घर से, धीरे 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 सारे काम मेरे होते गए। और इतना है गुरु बहन, ये देखो कि जो भी काम हुए सब थर्सडे को हुए, ये मैंने नोटिस किया, जो जो गुरुदेव ने मेरे से हटवाया जी जो जो भी मतलब गुरुदेव ने मेरे से जो जो करवाना था ना, तो उस टाइम पे क्या था कि हर काम करवाया धीरे धीरे, लेकिन मेरे को पेशेंस नहीं, मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, क्या हो गया है मेरे को। लेकिन बस वही था कि गुरुदेव भी बोले कि देखो ऐसे तो एकदम अचानक से ठीक कर देंगे, तो फिर थोड़े दिन याद रखूंगी, फिर भूल जाऊंगी गुरुदेव को, फिर वो फॉर्मेलिटी करूंगी। लेकिन धीरे धीरे गुरुदेव ने ना सारे काम मेरे ऐसे सुलझा दिए कि मैं आज सच में मतलब बहुत खुश हूँ गुरुदेव के प्रति ना। भाई गुरुदेव आए जिंदगी में, अब तो ये होता है गुरु बहन की जैसे थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे दिमाग में ये आता है कि अगर गुरुदेव है कुछ नहीं होने वाला। और अब ये सोचती हूँ, देखो जब पहले नहीं था तो हमें किसी का सहारा ही नहीं था कि क्या कुछ हो जाएगा तो हम किससे कहेंगे, लेकिन अब इतना मेरे को विश्वास है कि किसी का हमें वो नहीं है। एक बार कुछ भी हो जाए, कोई छोटा है बड़ी चीज है, कोई मतलब प्रॉब्लम है घर में है या फिर बीमारी से रिलेटेड है, बस गुरुदेव को याद किया और तुरंत ठीक हो गए। वैसे तो नॉर्मली गुरुदेव ने मेरे को पहले भी, जब स्टार्टिंग में मैंने 2020 में जब जो ध्यान किया था ना, तो उसी में भी मतलब महीने 20 दिन के अंदर ही मेरे को धीरे धीरे, जैसे ध्यान के दौरान मेरे को आंसू स्टार्ट हो गए थे, जब भी ध्यान करने बैठती तो उबासी पे उबासी आना और फिर आंखों से आंसू गिरना, पूरे 15 मिनट तक मेरा ये चलता था, बहुत आंसू बहाए बहुत आंसू। तो मेरे को ये लगता था भी पता नहीं क्यों आंसू आते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब जैसे ही मंत्र मतलब एक बार ये था कि जैसे ऐसे बैठी गुरुदेव का नाम लिया और उबासियां आनी स्टार्ट हो जाती थी। मतलब सोचती थी कि अब बस गुरुदेव का चलो ध्यान करती हूँ, 15 मिनट अभी टाइम हो गया तो चलो बैठो, बैठते के साथ उबासियां स्टार्ट हो जाती थी, उबासी पे उबासी आती फिर आंसू आने लग जाते, उसका भी मेरे को कोई पता नहीं था क्यों। फिर मैं वैसे ही करती रही, मैंने कहा कोई बात नहीं है चलो करते रहो, गुरुदेव जो करेंगे अच्छा करेंगे, सब अच्छा किया। फिर मैंने कहा कि भाई मेरा तो नेट क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा गुरुदेव मेरे को तो ये चाहिए, आप मतलब आप ही करोगे, देख लो कैसे करोगे। तो फिर शुरू सबसे पहले गुरु बहन मेरे को गुरुदेव से जुड़ी हूँ, लेकिन जो दादा गुरुदेव है ना मेरे को वो दिखे सबसे पहले, सपने में मेरे को दादा गुरुदेव दिखे। दादा गुरुदेव मतलब सेम चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उसके इतनी लंबी लंबी जो दाढ़ी है वो, और पतला सा लंबा सा, मतलब ऐसा मतलब मेरे को यूं फील हुआ कि ये दादा गुरुदेव हैं। तो उनको मैंने बोला तो उन्होंने मेरे को कहा जी कि आप चिंता मत करो सब काम हो जाएंगे। तो उस दिन के बाद से फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जब दादा गुरुदेव ने मेरे को बोल दिया है तो सब होंगे, ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं होगा। उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को भी बताया कि जी मैं ऐसे ऐसे ध्यान करती हूँ और ये है, तो उसने कहा कि अच्छी बात है ध्यान करना, मेडिटेशन तो बहुत अच्छी बात है, मेडिटेशन तो ऐसा है कि कुछ भी मतलब ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, वो तो सब कुछ कर सकता है अगर करो तो। फिर मैंने गुरुदेव के बारे में बताया कि मैं ऐसे ऐसे गुरुदेव का ध्यान करती हूँ और वो ऐसा मंत्र है और मतलब अच्छा है ये, ऐसे वैसे मैंने उनको पहले ही बता दिया कि ये बाबा बाबा का चक्कर नहीं है, कभी गुस्सा करो और कभी मेरे को कहो कि ये क्या करने बैठ गई है, बच्चों को भी करा रही है। तो कह रहा कि नहीं नहीं वो मैं सब समझता हूँ। तो मैंने उसको क्या किया, वो मानता है करता नहीं है, लेकिन जैसे ही ध्यान का टाइम होगा तो मेरे को भी मेरे बेटे को भी, चलो हमारा ध्यान का टाइम होगा अपना ध्यान कर लो फिर बाद में करेंगे जो कुछ होगा वो, खाने पीने का जैसे कि शाम का टाइम होता है तो शाम का ध्यान के लिए कहेगा तुम अपना ध्यान करो और फिर उसके बाद करते हैं खाने पीने का। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो करता नहीं है अपने आप से, लेकिन हमें उस चीज के लिए मतलब क्या है कि हमें चाहिए याद, हमें तो याद होगा ही, लेकिन वो खुद अपने मुंह से बुलवा के, तो मैं तो ये मानती हूँ कि गुरुदेव हाँ ही उनके मुंह से बुलवा रहा है कि चलो तुम्हारा ध्यान का टाइम हो गया और अपना ध्यान करो। बिल्कुल, हाँ क्योंकि जी उन्होंने आपको ऐसे बोला कि चलो तुम्हारे ध्यान का टाइम हो गया, जी क्योंकि आपका बोलते हैं, ध्यान रखने वाले वो भी है ना, आपके जी पति भी है, आपके परिवार का बिल्कुल ध्यान रखने वाले, और हमारे गुरुजी तो है ही, लेकिन उनको भी ध्यान में है, भले वो बैठते नहीं है फिजिकली, मैं हाँ तो जी उनको ध्यान है कि ये लोग जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज है, तो वो अच्छी करे चीज कि ना करे वो अलग बात है, लेकिन आपको सपोर्ट करते हैं कि है, पूरा सपोर्ट पूरा करते हैं और वो करते भी हैं। क्योंकि एक दिन मैंने उनको खुद बोला, वैसे तो मैंने उनको फोर्स नहीं किया कि आप भी करो, एक बार वैसे मैंने उनको बोला था कि आप भी बैठ के करके देखो हमारे साथ, देखो देखो आपको कैसे लगेगा। तो उन्होंने कहा चल ठीक है मेरे को मंत्र बता दो,
तो मैंने उनको अपने मुंह से ही बता दिया। तो फिर बाद में मैंने गुरुदेव से माफी भी मांगी, मैंने कहा गुरुदेव चलो मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैंने कहा भाई अब मैंने बता दिया तो बता दिया। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने पता भी चल गई, उन्होंने मेरे को बोल के भी बताया, मैंने कहा हाँ जी यही है। तो वो तो मैंने काफी मतलब जब मैं 6-7 महीने हो गए थे मेरे को जुड़े हुए तो उस टाइम पे बताया था, लेकिन उस टाइम का बताया हुआ उसको याद है। तो एक दिन अब मतलब जब यहाँ से गए थे, छुट्टी आए हुए थे तब यहाँ से ड्यूटी गए, तो सुबह जैसे उनका 24 घंटे का रास्ता है दिल्ली से, तो जब सुबह मैंने फोन किया तो मैंने कहा जी आप पहुंच गए, तो कह रहा हाँ मैं पहुंच गया। तो फिर मैंने कहा कोई दिक्कत, बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा जी, मैंने उनको थोड़ा सा रिपीट करवा दिया, मैंने कहा जी कोई वो नहीं है, अपना बस अपना ध्यान करा करो थोड़ा बहुत, और मैंने कहा अपना मंत्र जाप कर लिया करो जी, मैंने नॉर्मल सी कहा, मतलब फोर्स नहीं कहा। तो उन्होंने मेरे को खुद कहा, बोला मैं तो पूरे रास्ते मंत्र जाप करते आया हूँ। मैंने कहा आपने आप तो तूने नहीं बताया, मतलब मैंने कह दिया तो कह दिया, कह रहे हैं कि मैं तो पूरे रास्ते मंत्र जाप करते आया हूँ। मैंने कहा चलो जी अच्छी बात है। फिर एक दिन ऐसे ही उनको क्या थोड़ी कोई प्रॉब्लम हो गई थी गृहस्थी में थोड़ा सा, हमें हमारे यहाँ घर में, तो मैंने उनको बताया तो फिर वो थोड़ा सा गुस्सा भी आए। फिर लास्ट में उन्होंने यही कहा, बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, सहेस गुरुदेव है ना हमारे साथ, अपने आप बोला गुरुदेव है ना हमारे साथ। मैंने कहा चलो भाई बहुत अच्छी बात है, जो अपने मुंह से ही कह रहा है कि गुरुदेव है हमारे साथ, इसका मतलब आप भी जुड़े हो कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत जुड़े हो, ज्यादा नहीं कहेंगे लेकिन गुरुदेव सब खींच लेंगे धीरे धीरे। तो उनका ये थोड़ा भी बीच बीच में गुस्सा आना, कभी नाराज होना या कभी ज्यादा जी खुश होना, ये भी सब एक साधना का स्तर है। हाँ उसमें जी ये सब एक चैप्टर के जैसे, क्योंकि हमारी स्कूल बुक में कैसे आप टीचर के एक सभी एक तरह के इंटरेस्ट के वो नहीं आते हैं चैप्टर, क्योंकि हाँ जी थोड़े अलग से आएंगे तो ही हमें पता चलेगा ना कि ये चैप्टर से ये चैप्टर अच्छा है, ये इंटरेस्ट हाँ है। जी हमें जो अच्छा ना लगता हो वो सामने वाले दूसरे को अच्छा भी लगता हो, तो जो बिल्कुल गुस्सा है, खुशी है, कुछ हमारे तकलीफें हैं छोटी मोटी, या बहुत बड़ा कोई हमें अचीवमेंट मिल जाता है, वो भी सब एक, ये जीवन कैसे रंगीन है। आप बोलिए गुरु भक्त, जो हाँ भी जी। आया और है जो शेयर कर। गर्मी की छुट्टियों में जैसे मई जून का टाइम था, जिस टाइम थोड़ा सा मतलब मेरे को प्रॉब्लम थी जिस चीज से मतलब मैं निकली हूँ, तो उस टाइम क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि मैंने कहा गुरुदेव जब आप मेरे साथ हो सब कुछ है, लेकिन आपने मेरे को कभी दर्शन नहीं दिए हैं, तो मैं कैसे विश्वास करूं, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि भाई आप मेरे साथ हो, भाई आप ऐसे करते हो कि ठीक भी हो जाऊंगी। तो थोड़ा सा तो मेरे को ऐसा महसूस कराओ ना कि हाँ आप मेरे साथ हो, क्योंकि मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ था कि हाँ भाई गुरुदेव मेरे साथ हैं, हमारे काम भी करते हैं, हमें देखते भी हैं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो मतलब नॉर्मली मेरा वैसे ही चल रहा था, लेकिन उस टाइम जब मैं रात को पूरे मतलब कि कम से कम रात को सोने से पहले 1-2 घंटा मैंने यही रट लगाई रखी कि गुरुदेव आज अगर सपने में नहीं दिखे ना तो देख लेना, आज अगर सपने में नहीं दिखे तो देख लेना, ऐसा विश्वास दिलाने के लिए मैंने इतनी प्रार्थना की। और जैसे ही मेरी आंख झपकी नींद आई और मेरे को गुरुदेव बिल्कुल साक्षात रूप में अपने ही रूप में दिखे मेरे को, मतलब बिल्कुल यूं के यूं जैसे धोती कुर्ता जो पहने हैं खड़े बिल्कुल जो चलते का एक फोटो गुरुदेव का, सेम ऐसे के ऐसे दिखे। तो मेरे को इतना मन खुश हुआ सुबह उठ के, मन का देखो वही है ना कि गुरुदेव तो हमारे जैसे बच्चा जिद करता है अपने माँ बाप से, ऐसे मैंने जिद लगाई गुरुदेव के सामने तो गुरुदेव ने दर्शन दिए मेरे को। वैसे बेटे, अरे सहेज जी, हम उसके बच्चे ही हैं, हाँ और जी सब लोग बिल्कुल बोलते हैं कि आप उसके पास है, आपका पूरा हमारा आपका, कि जैसे हम अपने माता पिता से या घर के परिवारों से एक दूसरे से वो जिद करते हैं कोई भी चीज की या बात की, वैसे ही हम उनके पास पूरे हक से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं अब भी मेरा तो यही रहता है कि अब तो कुछ भी करना होता है ना कि गुरुदेव देख लेना, बस सुबह जैसे ही उठती हूँ पहले गुरुदेव के आगे अपना माथा टेकती हूँ कि गुरुदेव बस आप हो देख लेना, जो होगा वो आपकी वजह से। अब मेरा एक एग्जाम था, मैं वो दे के आई था एचटेट का हरियाणा में, जो पात्रता का होता है ना टीचर के लिए, तो वो एग्जाम मेरा था, मैं देने गई तो उस दिन मैं अपने गुरुदेव का जोत वोत लगा के अच्छे से पूजा पाठ करके मैंने कहा गुरुदेव देख लेना, मतलब मेरा कुछ नहीं है, अच्छा होगा तो आपका होगा, अगर गलत होगा तो भी आपका होगा। तो मैं वहां पे गई, उस टाइम थोड़ा टाइम मिला वहां पे अंदर भी,
मैंने अपना मंत्र ध्यान मतलब जाप वहीं पे अपना स्टार्ट कर दिया। जब तक पेपर नहीं मिला था एग्जाम में, टाइम बैठे थे पहले ही बिठा देते हैं थोड़ा सा, तो अपना मंत्र जी जाप करती रही। फिर घर पे आके गुरुदेव का धन्यवाद किया कि गुरुदेव आप मेरे साथ गए। और घर पे भी अब जैसे कि हम तीनों माँ बेटे रहते हैं तो अकेले ही हैं यहाँ रेवाड़ी में, तो ये मतलब मेरे को कभी महसूस नहीं होता कि अकेले हैं। कहीं जाना होता है तो मैं अपना लॉक लगाया या ना भी लगाया, इधर उधर कहीं आसपास में जाना है तो मैं तो अपना ये बोल के जाती हूँ कि गुरुदेव आप बैठे हो देख लेना मैं जा रही हूँ बस। मतलब इतना सा हो गया है अब कि सब कुछ छोड़ दिया है, टेंशन फ्री। मतलब गुरुदेव ने हमें टेंशन फ्री कर दिया है कि जो कुछ है गुरुदेव मैंने अपने अभी चौकीदार बना के निकल जाते हैं कि गुरुदेव देखना गुरुदेव आप अभी ही हो देख लो देख जी लेना। कोई आएगा तो फिर कई बार दिमाग में आता है कि अरे लोग नहीं लगा के आई, कभी पीछे से कुछ हो ना जाए, तो फिर ये मेरे दिमाग में फिर से ये आता है कि गुरुदेव बैठे है ना, कोई घुसेगा तो भी उसको बाहर फेंक के मारेगा अपने आप, उसको अकल आ जाएगी कैसे घुस रहा है कहाँ घुस रहा है तू तो इतना अच्छा लगता है मेरे दिमाग में ये बातें आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि सही में गुरुदेव है तो सब कुछ है। सब कुछ है, सब कुछ है। बिल्कुल सब कुछ है गुरुदेव का। बहुत ही बढ़िया। आपके पति काम के हिसाब से बाहर रहते हैं, आप लोग पूरा परिवार गुरुदेव से जुड़े हो, तो वो भी निश्चिंत, उधर आपके दूर रह के भी वो निश्चिंत होंगे कि मेरे परिवार, बच्चे हैं, वाइफ है, सब सेफ है, हाँ गुरु जी जी की निगरानी में है, तो वो बिल्कुल भी, बिल्कुल। हाँ वो भी जब से एकदम गुरुदेव निश्चित का हो गए। समर्पण बढ़ा है ना गुरु बहन, जब से गुरुदेव का समर्पण बढ़ा है, पहले थे कि पहले मतलब पहले जैसे कि अपना डेली का रूटीन है, सुबह उठे गुड मॉर्निंग बोला ये वो, तो फिर मैंने पता नहीं वो बस वो गुरुदेव को कराना है। मैंने कहा क्या गुड मॉर्निंग बोलने से क्या कोई हम ज्यादा वो है, होते हैं क्या? मैंने कहा जय गुरुदेव बोलेंगे इसकी जगह पे। तो मैंने अपने बच्चों को भी सुबह उठते के साथ इनको मैं बोलती हूँ कि मैं ही आदत डालूंगी तब तो ना इनको आदत डलेगी, तो इनको भी उठते के साथ कि अंश जय गुरुदेव, विवान जय गुरुदेव, साथ में बोलते हैं वो सब। वाह, बहुत अच्छा, क्योंकि हाँ बच्चों सब में उठेंगे संस्कार, हमें, आपको तो सब पता है, समझो आपकी ये उम्र में आपको मिला, लेकिन आपके बच्चे इतने छोटे हैं, तो उनको आपके द्वारा ही ये एक बीज रोपा जाएगा ना, गुरुदेव में, गुरुदेव ने तो हम में जी। सब में बीज डाल दिया है, फिर उसको आपके बच्चों में आपके माध्यम से जाएगा, फिर वो बीज बिल्कुल को हमें सिर्फ वो खाद पानी ही डालना है ना, पानी पिलाना है कि अच्छे से बस ग्रो करे, तो यही है पानी, पानी का मतलब या खाद पानी का, कि हमें उसे जुड़े रहना और बच्चों में हर पल हर घड़ी उनका एहसास होना चाहिए कि वो एक क्या बोलते हैं, वाइब्रेशंस जो है, गुरु तत्व जो नाम बोलते हैं कि गुरु तत्व है, वो एक जो अपने मन में, दिमाग में या शरीर में वो जो जुड़ा रहता है ना, वो एक कच्चा धागा सा, एक एक विश्वास का, वही एक बड़ी बात है। कोई चीज तो नहीं है बिल्कुल कि हम दूसरों को बता सकेंगे कि गुरु और शिष्य के रिश्ते, देखो कोई पिक्चर भी नहीं बनी है कि ये ऐसा होता है, ये तो एक एहसास करने वाली बात है ना, जो रिश्ता है वो। बिल्कुल। हाँ जी कहिए। यूं ही है अब जैसे कि सारे जो भी काम करते हैं ना, मतलब ऐसा मुंह पे रट गया है कि बिना कुछ कहे भी मतलब बस दिमाग से वही निकलता है। जैसे ही खाना बनेगा, खाना खाने बैठेंगे तो मतलब यही रहता है कि आ जाओ गुरुदेव खाना खा लो। अब छोटा बेटा है ना तो कई बार ऐसे कहेगा, गुस्सा आ जाएगा ना तो यूं कहेगा नहीं खिलाऊंगा मैं गुरुदेव को खाना। मैंने कहा क्यों भाई क्यों नहीं खिलाएगा तू? तो जैसे मैंने फोटो लगा रहा गुरुदेव को चलने की, तो मैंने कहा गुरुदेव आ रहे हैं तेरे पास, क्या सोच रहा है तू क्या देख रहा है? कह रहे गुरुदेव आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ, तो वो उसको पता नहीं है, एक बड़ी फोटो है उसको तो वो बड़ा गुरुदेव बोलते हैं, एक छोटी फोटो है उसको कहेंगे ये छोटा गुरुदेव है। मैंने कहा अच्छा भाई चलो ठीक है। तो आज मैंने उसको कहा, तो आज आज की बात है, उस सुबह बैठी थी उसको लेके कंबल में, तो वहां पे वो जो छोटी वाली फोटो लगी हुई थी ना, तो मैंने कहा गुरुदेव आ रहे हैं चुपचाप सो जाओ। तो क्या कह रहा है, जो ये गुरुदेव तो पागल है। तो मैंने कहा अच्छा गुरुदेव पागल है? तो कह रहे हैं वो है ना वो है बड़ा गुरुदेव, तो जो बड़ी फोटो लगी हुई है उसको देख के कह रहे हैं वो है बड़ा गुरुदेव, छोटे गुरुदेव तो पागल है। मैंने कहा भाई तूने कह दिया तो वो हो गया। छोटा गुरुदेव यानी तू, हाँ हाँ मतलब वो फोटो छोटी है, सोचता है कि यूं कहेगा ये छोटा गुरुदेव है, एक बड़ी फोटो है जी गुरुदेव की तो ये बड़ा गुरुदेव है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और जी एक दिन तो जी हुआ था कि
मतलब मैं खा हम खाना खा रहे, मैं और वो छोटे वाला, तो दोनों हम खाना खा रहे। मैंने कहा जाओ गुरुदेव खाना खा लो, तो उसने भी कहा कि गुरुदेव खाना खा लो, तो मैंने कहा बेटा ठीक है गुरुदेव खा लेंगे। तो फिर अचानक से उसने मेरे को जवाब दिया, 3 साल का अभी हुआ नहीं है, 16 जनवरी का उसका बर्थडे है, 3 साल का हो जाएगा। तो उस टाइम तो मतलब काफी 3 महीने के करीब की बात हो गई। तो उस टाइम वो कह रहा है मम्मी दोनों खा रहे हैं। मैंने कहा बेटा दोनों खा रहे हैं? तो कह रहे हाँ मम्मी दोनों खा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, वाह फिर मैं समझ गई कि जब दोनों खा रहे हैं तो गुरुदेव दादा गुरुदेव दोनों खा रहे हैं हमारे साथ बैठ के। वाह, ये बच्चों का जो निर्मल स्वभाव और निर्मल प्रेम रहता है ना, हाँ बिना जी स्वार्थ का, क्योंकि अभी वो बिना नाता है ना, स्वार्थ। उसको हाँ पता नहीं है ना, जी लेकिन गुरु जी तो वो जानते ही है, और उसको आपके बेटे के मन में है कि नहीं खा रहे हैं, ऐसे मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, वो हाँ, 100% साथ सच्चे ही रहते हैं। ही रहते हैं। अब एक दिन ऐसे हुआ कि अब जैसे वो छोटा है तो अंश है मैं हूं और वो सबसे छोटा है, तो कोई भी बात होगी ना तो हम यूं कहते हैं कि विवान आप पूछो गुरुदेव से, आप छोटे हो ना तो आपकी बात का जवाब जल्दी देंगे गुरुदेव। तो एक दिन हमारी लाइट चली गई और इन्वर्टर भी उस टाइम उसमें पानी नहीं था, तो मतलब वो भी ऑफ हो गया, अंधेरा हो गया और रात को शाम के टाइम करीब 6 सवा 6 बजे, तो उस टाइम पे अंधेरा हो गया था। तो हम बैठे, मैंने कहा भाई खाना तब बनाएंगे तब लाइट आएगी, तो बैठे रहे, तो थोड़ी देर तो बैठे रहे। उसके बाद मैंने विवान से कहा, मैंने कहा बेटा विवान आपकी बात तो गुरुदेव बहुत जल्दी सुनेंगे, तो आप ऐसे करो कि गुरुदेव से पूछो कि गुरुदेव लाइट कितनी देर में आएगी। तो उसने कहा कि गुरुदेव लाइट कब आएगी, तो मैं थोड़ी देर तो वो चुप रहा कुछ नहीं बोला। फिर मैंने कहा बेटा कब आएगी लाइट, बताया तूने गुरुदेव ने बताया आपको कितनी देर में आएगी लाइट? तो उसने मतलब अपने नॉर्मली वैसे भाई बच्चा है उसको तो या तो गुरुदेव ने बताया है और तो कौन बताएगा, तो कह रहा मम्मी 5 मिनट में। यूं कह रहा 5 मिनट। मैंने कहा अच्छा 5 मिनट में, तो कह रहा हाँ। मैंने कहा अच्छा, और जैसे ही मतलब 5 मिनट 3 से 4 4 मिनट ही हुई होगी, 5 भी पूरा नहीं हुए थे, इतनी ही देर में लाइट आ गई। तो कह रहा है मम्मी लाइट आ गई। मैंने कहा हाँ बेटा 5 मिनट हो गए ना तभी लाइट आ गई। तो ये वाह छोटी छोटी बातें ना घर में पूरे दिन ऐसे चलती है कि गुरुदेव ये होगा ये कब होगा गुरुदेव, मतलब सारे दिन। बच्चों को भी आदत हो गई है अब तो, वो छोटे वाला भी कई बार कोई बात होती है ना हम उसकी शिकायत करते हैं तो उसको भी इतना है कि जब मम्मी मेरी गुरुदेव से शिकायत करती है तो मम्मी टॉफी दे दो, मम्मी ये दे दो, बेटा नहीं आपको खांसी है ना तो नहीं लेनी है, और ज्यादा बदमाशी करेगा तो गुरुदेव को बोल देंगे। तो वो क्या करता है जब कोई ऐसी बात होगी ना तो फट से यूं कहेगा मम्मी गुरुदेव को बोल दू, गुरुदेव को बोल दू, मतलब वो हमें ब्लैकमेल करता है, कहेगा कि गुरुदेव को बोल दू। मैंने कहा अच्छा सही है, तो 3 साल का है और अभी इतना हो गया है कि मैंने बस वही है कि गुरुदेव कराते जा रहे हैं, तो सुबह सुबह मैं अपना वो मैंने डाउनलोड कर लिया 15 मिनट का, जो अपना संजीवनी मंत्र है वो अपना चलता रहता, तो मैं सुबह उठते ही चला देती हूँ उसको कि चलो ध्यान तो थोड़ा देर बाद करेंगे, नहा धो के पूजा पाठ करती हूँ उसके बाद। तो मैंने कहा ये चलता रहेगा, सुबह सुबह काम होता रहता है चलता है। तो उसमें जैसे गुरुदेव बोलते हैं तो मैं गुरुदेव विवान से कहूंगी विवान गुरुदेव क्या बोल रहे हैं बेटा, तो गुरुदेव जैसे उसमें अपना मंत्र का पूरा डिटेल बता रहे हैं कि अंग होता है अंग, तो विवान ऐसे ही बोलता है मम्मी अंग होता है अंग। मैंने कहा अच्छा, और ऐसे ही मतलब मंत्र पूरा अच्छे से बोलना नहीं आता लेकिन गुरुदेव के साथ साथ बोलेगा, जैसे वो बोलते हैं गुरुदेव बोलते हैं कि राउंड द क्लॉक, तो ऐसे ही उसके साथ साथ राउंड द क्लॉक और अंग होता है ना अंग, अंग होता है ना अंग, मतलब गुरुदेव के साथ साथ बोलेगा, जो गुरुदेव बोल रहे हैं विवान वैसे वैसे बोलता जाएगा। फिर लास्ट में जब वो मंत्र फॉलो करते हैं तो अच्छे से बोलना नहीं आता है उसको, लेकिन मैं उसको बाद में पूछती हूँ बेटा गुरुदेव क्या कह रहे थे जो मंत्र गुरुदेव ने बताया कौन सा है वो, तो ऐसे मतलब ऐसे ही बोलता है क्लिंग क्लिंग किरचिन क्लिंग, मतलब धीरे धीरे अजीब सी आवाज में बोलता है लेकिन वो वर्ड 3 ही बोलता है, इतना भी उसका है, उसको ये पता बच्चों है की कि 3 वर्ड भाषा बोलना। हाँ बच्चों वाली भाषा में, और वो मतलब कैसे ही स्टार्ट करता है लेकिन वो अच्छे से मतलब उसकी क्लियर नहीं समझ आती कि वो बोल क्या रहा है, लेकिन वही बोलने की पूरी कोशिश और वो सिर्फ 3 ही वर्ड बोलता है। मैंने कहा चलो बेटा इतना भी हो जाएगा वो भी बहुत अच्छा है, गुरुदेव सब बुलवाएंगे धीरे धीरे, अभी तो 3 का भी नहीं हुआ है, और वैसे जी सारे दिन आप बोलते रहो कि ये कौन है, कोई भी उससे पूछेगा उसके दादा दादी यहाँ पे आए थे तो इसके बाबा ने पूछा, मैंने अपने घर में सब जगह अपने गुरुदेव की फोटो लगा ली, जी पहले गुरु जो बहन, फोटो थी। मैं आपसे ये बात एक पूछूंगी कि हाँ जैसे जी आपका 4 जन का परिवार है, आई पूरा गुरुमय परिवार हो गया अभी, तो
आपकी प्रेरणा से आपके पहचान में, आप फ्रेंड्स में या रिश्तेदार में कोई भी उनको आपकी प्रेरणा से कुछ कभी मिल पाया है? संजीवनी मंत्र नहीं का एक मैसेज, या आपने कभी कोशिश की नहीं है? मैंने संजीवनी मंत्र जैसे जब मैंने लिया तो उसके जस्ट बाद मैंने मेरे बेटे को भी बाद में बताया है। उससे पहले मैंने मेरी सास को बताया था कि मेरी सास के जैसे घुटने में प्रॉब्लम होती है, दर्द रहता है। तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी आप करा करो। तो मम्मी बोले कि क्या है, हो जाएगा, इससे आराम हो जाएगा। मैंने कहा मम्मी बहुत आराम मिलेगा, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, आप करके देखो इसको। भाई मैं करती हूँ मम्मा। तो मेरी सास ने कहा कि मेरे को बता दो, मैंने उनको बता दिया। तो भाई ठीक है चलो, वो पहल मतलब थोड़ा सा इतना पढ़े लिखे नहीं है तो मतलब बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मतलब इतना भी नहीं है, बोल लेती है। तो उन्होंने हाँ नहीं किया, मैंने बताया, बोली अच्छा ठीक है कर लूंगी। फिर बाद में उन्होंने शायद नहीं किया, और मैंने बीच में भी यानी पूछती रहती हूँ, सीरियसली नहीं लिया। सीरियसली नहीं ले रही है उस चीज को और नहीं कर रही है। अब मैंने मम्मी को ही बताया था नहीं ले। हाँ फिर मैंने मेरी मम्मी को बताया, मायके में जो मेरी मेरी मम्मी है उनसे मैंने बताया, तो मेरी मम्मी करती है। लेकिन बस उनके घर में थोड़ा सा ये है ना कि कोई मानता नहीं है, तो मम्मी किसी को बताती नहीं है। लेकिन मंत्र जाप बोली बेटा मैं अपना करती रहती हूँ अपने मन ही मन, मैं भी किसी को ठीक है फोर्स नहीं करती, बाकी मम्मा मेरी करती है जो मेरी मम्मी है वो। फिर मैंने मेरे जी बेटे जी को बताया था मैं करती हूँ, और मैंने मेरे हस्बैंड को भी बताया, वो भी लगभग ही मतलब करता ही है, लेकिन वो बताता नहीं है। मतलब जैसे हम शोर करते हैं ना कि हम करते हैं, ऐसे वो दूसरों के सामने यूँ नहीं करता कि मैं करता हूँ। और इतना जरूर है क्योंकि उसका कि मैं उसको जी सुबह बोलती हूँ फोन पे, जैसे ही फोन करूंगी कि जय गुरुदेव जी, तो मेरे साथ बोलते हैं जय गुरुदेव जी। मैं नहीं बोलूंगी तो आगे से, या फिर वो खुद ही बोल देते हैं कि सहेज जय गुरुदेव जी। मैंने कहा जी जय गुरुदेव जी। तो उसके हाँ साथ में जो रहता है मतलब वहां जो ड्यूटी पे जो भी वहां बैरिक में उनके पास में रहते हैं, तो उसका एक दोस्त है, तो वो एक दिन मेरे से कहने लगे कि सहेज क्या जय गुरुदेव का वो करवा दिया तूने, हम तो बोलते ही बोलते हैं। वो दूसरे वाला जैसे अगर बाई चांस सुबह जब फोन बजता है ना, तो बजते के साथ वो जय गुरुदेव बोल देता है कि तेरी वाइफ का फोन होगा और तू जय गुरुदेव बोलेगा अब। तो बोला वो मेरे को पहले ही बोल देता है कि जय गुरुदेव जी। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जब वो आपको उसका इतना पता चल रहा है कि सुबह उठते ही फोन आएगा और तेरी वाइफ का होगा और वो जय गुरुदेव बोलेगी, उससे पहले वो उसको बोल देता है कि जय गुरुदेव जी। ये गुरुजी मतलब उनके मन में अपना वो छोड़ दिए, एक छाप छोड़ दी, हाँ एक आपके हस्बैंड के दोस्त के मुंह में और मन में भी एक गुरुजी का एक से जाएगा वो होता है। हमें लगता है कि मैंने बोला है कि हमारे द्वारा गया, लेकिन वो नहीं है, वो पहुंचाने वाले पूरा कनेक्शन गुरुजी का ही, मन की गुरु जी का इच्छा है ही और है। कहाँ पहुंचाने वाले हैं और कौन किसके माध्यम से वो पहुंचाएंगे, वो मैंने अपने उनसे कोई पूछा, कोशिश मैंने उनसे करने। पूछा भी है, हाँ मैंने उनसे पूछा भी है कि भाई आपने उनको कुछ बताया है क्या गुरुदेव के बारे में? तो कह रहे नहीं मैंने तो कुछ नहीं बताया, बस खाली मैं आपसे बोलता हूँ ना सुबह, तो वो सुन लेता है कि ये सुबह सुबह अपनी वाइफ से जैसे ही बात करेगा तो जय गुरुदेव जी बोलता है, इसलिए उसको बस पता चल जाता है कि अब वो फोन उसका आया है और ये ऐसे बोलेगा। तो बोलो उसको भी आदत हो गई है, वो तेरे से पहले वो बोल देता है मेरे को। मैंने कहा चलो जी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, गुरुदेव उनके का तो मुंह जहां से जहां पे। जय गुरुदेव का शब्द भी उनकी जीवन में कुछ ना कुछ सफलता लाएगा। बहन बिल्कुल जी आज आपसे बात करके इतना, बहुत आपने जो फ्लो में गुरुजी का एक्सपीरियंस आपने बताया है ये अपने फोन ऐसे करवा देते हैं, नॉन स्टॉप चलता है, मेरे से रुका नहीं जाता है। सबकी वही हालत है गुरु बहन, सभी गुरु भाई गुरु बहन की, ये साधकों की यही हालत है। जहां गुरु चर्चा होती है ना, तो कोई अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि नहीं कर उसका पाते हैं। रिमोट हमारे हाथ में नहीं है ना, अपने गुरु जी के हाथ नहीं में है। तो ये बिल्कुल हाँ, हमारा तो फिर सिर्फ ऑन करने का मौका होना चाहिए कि इधर इधर हमारा शुरू हो जाए, एक स्विच ऑन हो गया तो फिर स्टॉप होने का नाम नहीं लेता, नहीं लेकिन लेता है, समय वहीं की पे खत्म मर्यादा नहीं के। होती है। जी गुरुदेव के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, बहुत सारी ऐसी बातें। और कई बार तो मेरा ऐसा रहता है कि कभी भूल ना जाऊं ये बताऊंगी, कभी भूल ना जाऊं ये बताऊंगी, और बस वही चलता रहता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी। बहन जी, हमें और भी मौके मिलते रहेंगे और हम चाहते हैं, हम जी खुद चाहते हैं कि आप जैसे साधक दूसरों के लिए प्रेरणा स्वरूप बनेंगे, तो हम आपको बार बार
हमारे उसमें बुलाना चाहेंगे, आपसे बात गुरु चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों से भी हमने कुछ ना कुछ, हर साधकों से हमें कुछ ना कुछ जानना मिलता है, क्योंकि हमें को बिल्कुल भी कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, हमें कोई ज्ञान भी नहीं है, सिर्फ ये संजीवनी मंत्र के अलावा हमें दूसरा कुछ भी ज्ञान वो नहीं है कि क्या गुरुजी की हिस्ट्री, क्या उसका आगे के लिए कि फ्यूचर के वो क्या है, कि अभी क्या है, कुछ हमें इतना ज्ञान नहीं है, सिर्फ संजीवनी मंत्र एक ही को हमने पकड़ा तो समझो सब आ गया। तो ये हमारा खुद का अनुभव है, तो आपसे हमें बहुत जानना मिला है, और आगे भी सब दूसरे साधक को भी बहुत कुछ मिलेगा आपके माध्यम से। बिल्कुल और मीनाक्षी जी को मैं कहूंगी, ओवर टू यू मीनाक्षी, आप भी सहज बहन से कुछ हमारे हमारे ये बाल सखा के एक प्रेरणा स्रोत साधक है, उसको आप बात कीजिए। नहीं, बात करने का तो कुछ नहीं है, जितना जो गुरुदेव ने बुलवाना था वो ही बुलवाया है। आप बोल रहे हो ना, मैं याद कर रही थी कि ये भी बोलूंगी वो भी बोलूंगी, ये सब उनके हाथ में है कि क्या सामने बुलवाना है क्या नहीं बुलवाना है। तो आपने बिल्कुल रखी अपनी गुरु में कहानी, बहुत अच्छा लगा आपके परिवार को। गुरु बहन, एक बात और बताना चाहूंगी। वो बच्चा बोल रहा था ना कि मैं स्कूल में गई थी, तो उस टाइम मेरे में इतना जोश हो गया था कि पता नहीं मैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या, मतलब गुरुदेव की बातें बताते घूमते फिरते रहूं। तो मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली, मैंने उनसे परमिशन ले ली कि मैं ऐसे आना चाहती हूँ, और अगर आप चाहो तो मैं, मेडिटेशन होता है एक, ऐसे ऐसे मैं अपने गुरुदेव की फोटो मेरे पास है वो लेके, और उनके स्कूल में पहुंच गई। वहां चेयर पे रख के मैंने सब बच्चों को ध्यान कराया 15 मिनट। टीचर्स को उस टाइम जहाँ ध्यान चल रहा था, मैं अपना उनको समझा रही थी कि ऐसे ऐसे ये होता है। तो उस टाइम पे गुरु बहन क्या है कि जैसे जो मेरा जो भंवर सिंह अंकल का जो उपाय है ना, वो अभी मेरा चल रहा है, रिपीट में चल रहा है। तो उस टाइम मेरे को क्या था ना कि जब मैंने वो स्टार्टिंग किया तो मेरे अंदर मतलब वो नेगेटिविटी का आभास होने लग जाता, जहां मैं गुरुदेव का प्रचार करती ना, तो वो मेरे पे जैसे ही, फिर मैं घर में बाहर कर रही हूँ, घर में आई तो फिर वही नेगेटिविटी मेरे को पकड़ लेती, वही विचार मतलब दिमाग में बुरे बुरे आने, मतलब फिर मैं समझ जाती हाँ मेरे साथ वही हो रहा है। फिर मैंने एक दिन भगवान अंकल से बात की ना, तो उन्होंने कहा कि बेटा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हो तब तक आप ऐसा प्रचार मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप, उसके लायक बन जाओगे। कि कितनी भी नेगेटिविटी किसी के अंदर क्यों ना हो, हम जब किसी को बता रहे हैं ना तो हमें यार ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तब आप एकदम मतलब मजबूत हो जाओगे प्रचार करने के लिए, तो आप अभी से ये मत करो। तो उस टाइम पे मैंने उनको ध्यान कराया था ओनली ऑन कि जो भी आप जिस भी मतलब कि भगवान को मानते हो, गुरुदेव की फोटो सामने रख दी थी, और मैंने कहा किसी भी भगवान को आप मानते हो बेटा उसी का नाम आप जपो 15 मिनट। तो मैंने उनको मंत्र जाप नहीं बताया है अभी, तो फिर मेरा मन था मैं बताऊंगी, लेकिन अब ये काम हो गया तो मैं बस थोड़ा सा टाइम और लेना चाहूंगी गुरुदेव के साथ। फिर मैं भी बस वही है, जहां तक होगा मैं अपना प्रचार में लगूंगी, गुरुदेव जहां जहां कराएंगे वहां वहां मैं बोलूंगी। नहीं गुरु बहन, प्रचार का अपना ही एक टाइम होता है, वो गुरुदेव ही कराते हैं, ये हमारे हाँ हाथ में नहीं है। हाँ, पर हमारे अंदर जब भाव आता है ना कि हाँ मुझे करना है, तो वो अपने आप टाइमली करा लेते हैं, करा ये लेते कोई हैं दिक्कत नहीं है। पर उसको। आपने कराया ना, अब ये देखो बच्चा तो बिल्कुल ठीक है ना। बच्चे को टीचर कह रही है कि बेटा आपने चीटिंग की है या जो भी है, तो ट्रस्ट नहीं कर रही, मैडम तो ये को, कह सकता मैडम है। को हाँ इसको विश्वास नहीं होता, मतलब मैडम मैं खुद, गुरु बहन मैं खुद इस चीज से अचंभित हूँ। मैंने इस चीज को समझा है और मैंने कई बार देखा भी है। मैं पहले इसको लेके बैठती थी, इसको पढ़ाती भी थी, और मतलब ये अच्छे से कहता मम्मी मैं पूरे करके आया हूँ, अच्छे से करके आया हूँ, यूटी हुआ या वैसे टेस्ट हुए या फिर मतलब फाइनल एग्जाम हुए, सब कुछ करके आता, इसको पढ़ाती भी, लेकिन इसके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, किसी न किसी कारणवश कटते थे, चाहे राइटिंग में कटो चाहे इसको याद ना रहते, वहां जाके भूल जाता होगा, ये सब ऐसे साथ इसके रहा। लेकिन अब मैं इसका देखती हूँ मतलब ध्यान, जब से मतलब मेरा समर्पण बढ़ा, मेरे साथ साथ इनका भी बढ़ा, मैं पूजा करूंगी ना तो गुरु, इनको एक आवाज लगाती हूँ सुबह, तो जैसे ही एक बार बोलूंगी अंश विवान तो ये तुरंत आ जाते हैं मेरे पास कि हाँ मम्मा पूजा कर रही है, तो मम्मा गुरुदेव के चरणों की धोख खाएंगे। वो छोटे वाला भी माथे के लगा देती हूँ ना ऐसे, तो अपने आप बोलता है कि जय गुरुदेव, मैं नहीं बोलती कुछ, खाली उसके माथे के लगा देती हूँ गुरुदेव के चरणों की फोटो, और फिर वो अपने आप बोलता है कि जय गुरुदेव। तो
तो फिर मैंने ये चीज नोटिस करी है कि इसका ना अब ये नॉर्मली जब जो क्लास में जो पढ़ के आया वो पढ़ के आया स्कूल में, घर आने के बाद इसका होमवर्क भी, मतलब मैं इसको कभी लेके नहीं बैठती, और होमवर्क भी अपनी मर्जी से कुछ हो गया वो हो गया। और जैसे इसका कल टेस्ट है, मैंने बाद में देखा, रात को देखा कि कल तो तेरा टेस्ट है, तूने तैयारी कर ली? हाँ, मैंने कर रखी है मम्मी, कर रखी है। और वहां और पढ़ता भी नहीं है, जब ये मेरे सामने बैठा ही नहीं है तो कहाँ ये आपने मतलब अंदर ही अंदर पढ़ लिया? मेरे को तो ये समझ नहीं आता, मेरे को दिखता नहीं भाई, तू किताब तो लेके नहीं बैठा है तो कहाँ से पढ़ लिया है? और फिर ये स्कूल में जैसे अगले दिन आएगा खुश होके, मम्मी तीन चीजों का टेस्ट था, तीन सब्जेक्टों का था, देखो, मतलब 0.5 कट गए तो कट गए, नहीं तो आउट ऑफ आउट, आउट ऑफ आउट। मतलब ये चीज मैं कम से कम 6 नहीं 5 महीने से नोटिस कर रही हूँ, ऐसा ही हो रहा है इसके साथ। तो फिर इसकी मैडम को भी एक दिन, ये खुद बता रहा है मेरे को कि मम्मी मैडम ऐसे कह रही है कि भाई हिंदी का टेस्ट था, हिंदी में तो कहीं ना कहीं मात्रा की गलती होती है, और सब बच्चों के नंबर कटे हैं, और तेरे मतलब उस दिन तो इसके 0.5 भी नहीं कटे, आउट ऑफ आउट। तो इसकी मैडम को शक हुआ कि कह कंसंट्रेशन बढ़ रहा, जाता है ना, तो जो बच्चा क्लास में पढ़ता है उसी को ग्रास्प जल्दी से कर लेता है। हाँ इसको बोली तूने चीट की होगी ये, तू अब उसके बाद से है ना गुरु बहन इसको अपने साइड में बिठाती है मैडम, देखो उसको कितना मतलब वहम सा हो गया है कि उसको अपने पास बैठाएगी, फिर इसने पूरे मार्क्स आ गए तो इससे कहेगी तू सुना मेरे को विश्वास नहीं है कि तेरे नंबर क्यों नहीं कटे, फिर वो उससे सुनेगी वरबली तो ये सुना देता है। और फिर चलो कोई ऐसे ही बात नहीं, मैडम को हाँ गुरुदेव पकड़ना चाह रहे होंगे, पकड़ लेंगे। हाँ और जैसे टीचर जैसे तो इसको क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो ये खुद बोलता है कि मम्मी मैं जैसे क्लास में मैडम ने मेरे से SST का हुआ, साइंस का हुआ, इंग्लिश का हुआ, मतलब चैप्टर पढ़ा दिया, तो उस टाइम बोला मम्मी मैं नॉर्मली देखता हूँ कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ, सब बच्चे भी देखते रहते हैं, जब मैडम वापस तुरंत क्वेश्चन पुट करती है ना तो कोई बच्चा आंसर नहीं दे पाता। मैंने मम्मी बहुत बार दे, और मेरे से अगर मैडम एक पूछेगी मैं बता देता हूँ, दूसरा पूछेगी तो भी बता देता हूँ, ऐसे मैडम ने कम से कम मेरे को यूं करी कि 4-5 करेगी कि ये अटक जाए कहीं ना कहीं, तो इसको मतलब मार खानी पड़ेगी। तो कह रहा मम्मी जी वो कितने भी क्वेश्चन पूछे जाए पूरे चैप्टर में से जो जो पढ़ाया है, जो पढ़ाया है उसमें से मैं सारे बता देता हूँ। तो मैडम फिर लास्ट में यही बोलती है कि मैंने जब चैप्टर पढ़ाया तो ओनली अंश का ध्यान था और किसी का ध्यान नहीं था। मैंने कहा चलो बेटा अच्छी बात, फिर मैं तो इसको यही कहती हूँ बेटा उनसे सब उनके गुरुदेव साथ की कृपा रहना है, हमारा खुश कुछ नहीं है, बस रहना, अपने बस गुरुदेव यही का ध्यान चाहिए रखो। उनका साथ। ठीक है गुरु बहन, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से ज्यादा, तो हम सेशन को यहाँ गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हैं। फिर आगे कभी, जैसे अब आप सामने आए तो आगे भी आ जाना नई अनुभूतियों के साथ, नई बातों के साथ। ठीक है, आपका धन्यवाद, अंश का धन्यवाद, अलका जी आपका, साधकों का, गुरुदेव का धन्यवाद। जय गुरुदेव बहुत बहुत सबको। गुरुदेव, जय गुरुदेव सबको।